पेटीएम में रेफर कोड एंटर करके पैसा कैसे कमाई, यानी हम पेटीएम में रेफर एंड अर्न कैसे करेंगे। और आपको पता होगा अभी यहाँ पर हमारा पेटीएम में बैंक लिंक नहीं होगा, यानी हम पेटीएम में अपना अभी बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेफर को सक्सेस करने के लिए हमको एक ट्रांजेक्शन करना होता है, तभी हमारा रेफर सक्सेस होता है। तो बैंक लिंक नहीं होगा तो हम पेटीएम से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, वही इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेटीएम ऐप को ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर रेफर कोड कैसे अप्लाई करते हैं सबसे पहले वह जानेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। रेफर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेफर कोड और यहाँ पर रेफर एंड बिन। तो रेफर कोड अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, रेफर लिंक शेयर करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे रेफर कोड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर हम एक रेफर कोड एंटर कर देते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो जैसे आप रेफर कोड एंटर कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, आपका रेफर कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद अब हमको पेटीएम ऐप के थ्रू एक ट्रांजेक्शन करना है। अब बैंक तो लिंक नहीं होता, ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप यहाँ पर स्कैन एंड पे करेंगे मिनिमम 10 रुपए का, तो आपका रेफर सक्सेस हो जाएगा, लेकिन बैंक लिंक नहीं हो रहा। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिचार्ज और बिल पेमेंट का, यानी हम पेटीएम ऐप के थ्रू 10 रुपए का रिचार्ज कर देते हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, तो हमारा रेफर सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे अगर आपके पास किसी भी बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिजिकल डेबिट कार्ड, कोई भी डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं और आपका रेफर यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, अब आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 10 रुपए का या उससे ऊपर का रिचार्ज करना है। अगर आपका जियो का सिम कार्ड है, 15 का रिचार्ज करते हैं, 1 GB डाटा मिल जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 रुपए का रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट में 10 रुपए एंटर करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे, उसके बाद प्रोफिट टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे बैंक लिंक नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको मोर ऑप्शन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर हमको रेफर सक्सेस करना है तो हमको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिचार्ज करना, तभी हमारा रेफर सक्सेस होगा। अगर आप यूपीआई जैसे आप फोन पे गूगल पे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पेमेंट करेंगे, तो आपका रेफर सक्सेस नहीं होगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, आपका रेफर सक्सेस नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिजिकल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिचार्ज कर देते हैं, यानी पेमेंट कर देते हैं, तभी आपका रेफर सक्सेस होता है, यही तरीका है। ओके, और अगर आपके पेटीएम में कोई ऑफर चल रहे हैं, आप उसको कम्प्लीट करना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पेटीएम में एक ऑफर देखने को मिल रहा है। तो इस ऑफर में हमको 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर BI नंबर पर 1 रुपए का रिचार्ज कर देते हैं। आप BI में 1 रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता है और पेमेंट आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। जैसे हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक में हमको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, उसी से हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर देते हैं। हमारे ऑफर कम्प्लीट हो चुका है और हमको यहाँ पर फ्लैट 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अब पेटीएम में बैंक लिंक नहीं होगा तो पेटीएम में आपको यहाँ पर कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे।